मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है। सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सबसे निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से रोक। छोड़ दो, नहीं तो तुम भी गिरोगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। वाह, क्या शानदार हवेली। बच्चों के फंक्शन के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है। क्यों बस? बिल्कुल सही कहा तूने साणुखे। मुझे तो लगता है ये बच्चों का फंक्शन बड़ा यादगार रहने वाला है। सचिन, अपनी अपनी गन्स गाड़ी में रख देना। बच्चों का फंक्शन है, बच्चों के सामने गन्स लेकर जाना अच्छी बात नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम चेतना है, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो चेतना। हेलो। और सर, मैं मंगल हूँ। यहाँ आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखना सर, मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू सर। वैसे आपके बाकी के सीआईडी के ऑफिसर्स कहाँ हैं? वो दूसरी गाड़ी में आते होंगे। ओके। ना बस। आ सरंके, बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम सबसे मिलने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल, बच्चे तो सुबह से ही काफी एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। चले सर। हाँ चलो, बाकी के मेहमान आ चुके हैं। अच्छा, ये आप दोनों के लिए है, आप इसे पहन के जल्दी से रेडी हो जाइए। ब्यूटीफुल है। रियली? कितने सुंदर कपड़े हैं, बिल्कुल रानियों की तरह ना? हाँ बिल्कुल, और बच्चे भी आप दोनों को इन रानियों की वेशभूषा में देख के बहुत खुश हो जाएंगे। लीजिए, इन बच्चों की आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे आपसे मिलने को कितने एक्साइटेड हैं। हम बच्चों से कब मिल सकते हैं? बस आप इन्हें पहन के रेडी हो जाइए और नीचे आ जाइए, बच्चे आपको वहीं मिल जाएंगे। क्या सभी लोग ऐसे ही राजा रानियों वाले कपड़े पहनने वाले? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से इन्हें पहन के नीचे आ जाइए, रेडी हो गए। जी जी। ओके। तारिका, तुम अभिजीत सर के बारे में सोच रही हो ना? नहीं नहीं, तो यही सोच रही हो ना कि अभिजीत सर को कैसे कपड़े मिले होंगे, वो कहाँ है, कब मिलेंगे, क्या कर रहे होंगे एंड ऑल दैट। कम ऑन पूर्वी, तुम्हें ना कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी देर से फोन किसको ट्राई कर रही हो? मैं पापा को। और पता है यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए ट्रिंकिंग से शांति है ना। ओके चलो रेडी हो जाते हैं। बेस्ट पार्ट है, ड्रेस का फिटिंग इतना अच्छा हो गया है ना? तुम्हारा तो जैसे तुम्हारे लिए बना है। थैंक यू। वाओ, हवेली तो मतलब दुल्हन की तरह सजाई गई। कितना सुंदर लग रहा सब कुछ। हाँ सर, सर एसीपी सर कहाँ है? एसीपी सर हो रहे। Thank you.
तारिका जी, आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि चांद भी शर्मा जाएगा। My God, मुझे अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत नहीं है। अरे तो फिर आदत डाल लीजिए तारिका जी, क्योंकि जिंदगी भर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्स की दुकान है। वो तो बस ऐसे ही इनको देख के, तारिका जी को देख के जान शर्मा जाता है, और हमें देख के सूरज है। अरे यार तुम भी तो, तुम्हें देख के तो पूरी दुनिया शर्मा जाए यार। तुम मेरे दोस्त जो मेरे दोस्त हो यार। अरे सुनो यार, यार मगर ये फंक्शन अब तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? मेहमान आ गए, मेजबान का पता नहीं, और सर बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वही तो फ्रेडिक्स, चलो जरा जाके पूछो। मुझे ऐसा लगता है आज का फंक्शन बहुत जोरदार होगा। उम्मीद तो यही है। काफी सारे बच्चे। सब बच्चों की आवाज सुनी सर? सर लगता है फंक्शन शुरू होने वाला है। अरे मुझे तो कब से भूख लग रही है। मैं सोचा था फंक्शन चालू होगा, समोसा कचौड़ी जलेबी खाने मिलेगा। मैं कब से भूखा हूँ सर, फंक्शन कब शुरू होगा? अरे भैया सीआईडी को कब तक इंतजार कराओगे? ये फंक्शन कब शुरू होगा? बस समझिए हो ही गया। मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एनुअल चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए, और इस दिन के अंतर्गत हम बिन माँ बाप के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और वैसे ही आज हमारे पास डबल खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे बीच मौजूद है सीआईडी की पूरी टीम, जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा निछावर रहती है। Let's give them a big applause. मैं एसीपी प्रद्युमन से निवेदन करती हूँ कि आप दो शब्द कहें। प्लीज सर। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूँ जो आपने हमें यहाँ पर बुला लिया। लेकिन क्या अब इसी वक्त हम अपने नन्हे दोस्तों से मिल सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर एसीपी साहब चाहते हैं कि बच्चों से जल्दी मिला जाए तो बिना कोई देरी करते हुए हम इस फंक्शन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से खेल के साथ। खेल? कैसा खेल? दिन रात सुबह शाम महीनों सालों तक सीआईडी की टीम खूनियों को पकड़ती रहती है, तो हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो इन सब के दिलों के बहुत करीब है। And it's called murder game. यस, आप सबकी पॉकेट में एक पर्ची है। उस पर्ची में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं। तो अपनी जेब टटोलिए और देखिए कि आप मरने वाले हैं या मारने वाले हैं। ये लाइट कहाँ चली गई? ये लाइट क्यों गई? पता नहीं। जनरेटर तो ऑन करो। सचिन, ऊपर देखो जरा। हाँ सर। ये होश कहाँ गायब हो गया? मेरी पर्ची तो खा ली। सभी को लगता है खेल शुरू हो गया। ये आदमी मरने की एक्टिंग कर रहा है।
मर चुका। शांत हो जाइए, हम ढूंढ निकालेंगे जिसने भी ये किया। शो का होश गायब है। ये मंगल और चेतना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दया, ये कोई सीधा साधा गेम नहीं, जान लेने का गेम है ये, मर्डर गेम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, हटिए सर। सर, कौन? चाकू पे भी लगा है। यस सर, लगता है इसी चाकू से खून हुआ है। हम सबको यहां से निकल जाना चाहिए, अभी तो एक मौत हुई है, हो सकता है कि अगली मौत हमें से किसी की। नहीं, कोई ये हवेली छोड़कर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा जब तक ये पता नहीं लगाते हम ये किया किसने है। सर, आप हम पे शक कर रहे हैं, हमारी जान को खतरा है यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि सब लोग एक साथ एक ही जगह पे रहिए। बच्चों की जान निकल। हाँ, तुम और पंकज जाके हमारे गन्स लेकर जल्दी। अभिजीत, ये होस्ट जिसने मास्क पहनकर हमें ये गेम खेलने के लिए बुलाया, ठीक गायब है। अब ये मर्डर गेम शुरू तो किया है उसने, लेकिन इस खतरनाक गेम का अंत अब हम करेंगे। पंकज, इस गाड़ी पे देखो। गाड़ी में तो गन है नहीं सर। इस गाड़ी में भी नहीं है, कहाँ गई? ये ऐसा तो नहीं, ये सारी गन्स उन मुजरिमों ने हमारी गाड़ी से निकाल ली है। सर, गेट गेट पे तो ताला लगा हुआ है। सर, मैं उतर जाके देखता हूँ, चल जाऊंगा। ठीक है, देखो। ओके सर। कैसे हो सकता है गाड़ी से गन गायब? पंकज, आगे बोलो। पंकज, पंकज, बच्चे गए तो गए कहाँ? मेरे पर्स में एक छोटा सा फोरेंसिक किट है जिससे हम इस चाकू पे से उंगलियों के निशान उठा सकते हैं। तो फिर तरीका, जाओ जल्दी लेकर आओ, जाओ। हाँ सर। सर, क्या हुआ इसे? बिजली का झटका लगा सर से। कौन? सलून के लेटा से, जल्दी। Thank you.
सचिन, शॉक लगा कैसे? सर, हवेली के गेट में करंट है सर, और तो और हम सबकी गन्स भी गायब है गाड़ी से सर। क्या? हमारी गन्स गायब है, हवेली के गेट पर इलेक्ट्रिक का करंट है। इसका एक ही मतलब है, ये जो भी कोई है, ये जो भी कोई है, हम सबको इस हवेली में फंसाना चाहता है। इलेक्ट्रिक करंट का असर ज्यादा तेज नहीं है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। जब सीआईडी वाले खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम लोग की रक्षा क्या करेंगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन सीआईडी वालों के भरोसे रहे ना तो हम सबकी जान भी जाएगी। चलो अपना अपना इंतजाम करते हैं ऐसे निकलने का। हाँ, चलो, हाँ। चलो। देखिए, सुनिए जरा, रुकिए रुकिए आप लोग प्लीज। देखिए सर, ये लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं सर। सर नहीं सर, इतनी बड़ी हवेली है, पता नहीं कितने कमरे हैं, न जाने कहां छुप के बैठा होगा। सर, रानी हवेली में अक्सर राजा महाराजा खुफिया कमरे बनवा के रखते थे, शायद किसी खुफिया कमरे में छुप के बैठा है वो मास्क वाला होस्ट। लगता है मास्क वाला आदमी मंगल और चेतना ये सब मिले हुए हैं। नमस्कार सर। बच्चों, बच्चों तुम लोग कहां पे हो? यहां पे नहीं सर। उधर कमाल है, बच्चों की आवाज कमरे से आ रही है, सारे कमरे खाली है, वो क्या रहे? बच्चे की चीखने की आवाज। सर इधर भी एक रूम है सर। किचन में तो कोई भी नहीं, बच्चों की आवाज कहां से आ रही थी? चलो सर। हाँ सर, वो देखिए सर, ये तो टमाटर जूस है। तो इसे एकदम खाली है और सिर्फ टमाटर जूस। चलो हॉर्स का ये तो छोड़ा था, सब गायब कैसे हो सकता है? तारिका डॉक्टर सालुंखे को मार दो, फिर ना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा? अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। सर, पूरी हवेली छान मारे, बच्चों का कहीं कुछ आता पता नहीं, लगता ये आवाजें किसी घटिया खेल का हिस्सा है। इसका मतलब है सर, उसने हमें जानबूझ के फंसाया इस फंक्शन के बहाने। हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ से तार और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। सर न जाने क्या चल रहा है उस रूम के दिमाग में। सर सर जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे 13 लोग हैं, वो 5 कपल, मास्क वाला आदमी होस्ट और उसके 2 असिस्टेंट। 13 में से एक की तो मौत हो गई, बचे 12। अभिजीत जो भी ये गेम खेल रहा है ना,
वो इन 12 लोगों में से ही है, इन 12 लोगों में से। सर ना था फोरेंसिक पाउच है, ना हमारे कपड़े और ना ही बैग्स। मतलब सर खूनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है रास्ते में रुकावट डालने की। क्या हुआ, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। काम करो, सभी गेस्ट को यहाँ यहाँ बुला लो, इकट्ठा करो यहाँ पर। वक्त आ गया इन तीन कबूतरों को ढूंढने का। हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा समीर। समीर, हमारा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मैंने तो यही रखा था। हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है समीर। समीर, सीआईडी सब इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो, वरना तुम्हारे पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। समीर, ये क्या है? पता मजाक किया? अगर ये मजाक नहीं हुआ तो, और सचमुच तुम्हें कुछ हो गया समीर तो? राखी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकने वाले। चलो कम कम, लेट्स गो। राखी, मैं हूं सर निखिल। तुझे पता है निखिल, इस तरह की पुरानी हवेली में आने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ सर, यहाँ भी कोई आत्मा देख ली क्या? आत्मा का नाम मत ले, अगर उसने सुन लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर उसे यहाँ कोई मेहमान तो दिखाई नहीं दे रहा है, वापस चले। चलने में ही भलाई है, चलो। सर वहां पे कोई था सर, वहां पे। हाँ हाँ सर, देखा तुमने? यहां तो कोई दिख नहीं रहा। अरे ये धुंध नहीं है, धुआं है, धुआं, आत्माओं का धुआं। जी सर, कुछ हो रही है सर? अरे आत्मा आ गई। डॉक्टर साहब, बिजली के झटके से मेरे इंटेलिजेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? पंकज, अगर फर्क पड़ जाए ना मुझे बड़ी खुशी होगी। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, एकदम ठीक हो तुम। सर मैं देसी घी खा के बड़ा हुआ सर, मेरी रगों में खून नहीं, माँ के हाथ की लस्सी घूमती है सर। रियली? हाँ सर, ये करंट वरन से मुझे कुछ नहीं होगा सर।
सचिन सर, सचिन सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अरे पंकज, इसमें थैंक यू की क्या बात, सीआईडी इसीलिए तो ज्वाइन किया है कि अपने से पहले सबके बारे में सोच सके। बिल्कुल सच कहा सचिन, बिल्कुल सच कहा तुमने। और यहाँ के मेहमान, अगर इन्हें हमारे मदद की जरूरत ना भी हो तब भी हमारा फर्ज बनता है वो सुरक्षित रहे। आप हमें बचाना चाहते हैं और ना? इतनी मुश्किल से एक सुरक्षित जगह ढूंढ के हम वहां छुपे थे और आपने हमें वहां से भी निकाल दिया। देखिए, यहाँ इस हवेली में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, समझिए, हम पर विश्वास रखिए। जब तक हम लोग हैं हमारी जान की बाजी लगाएंगे हम तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। अजीब जबरदस्ती है, हमने कहा ना हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, फिर क्यों पीछे पड़े आप हमारे? तब भी तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अनुराग के खून में तुम में से किसी का भी हाथ हो सकता है। हमारा हाथ? हाँ, जब तक अनुराग का खूनी मिल नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे पति को बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। क्या हुआ बताओ जरा। वो अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर धस गए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ये कहाँ हुआ? सब मैं और समीर खपड़े में अपना सामान लेने गए और हमें शीशे पर ये चिट्ठी लगी हुई मिली। सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो वरना तुम्हारा पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन लिया जाएगा। ने पूरी को कुछ किया तो नहीं? कहीं करते होता सर, तुम्हारे ऐसा नहीं होता, पता नहीं वो कैसे होगे, जिंदा भी होगे या नहीं। प्लीज सर कुछ कीजिए। देखिए आप घबराइए मत, हम समीर को ढूंढ निकालेंगे। आप समीर को जल्दी ढूंढिए। पर हम कैसे मान लें कि हमें कुछ नहीं होगा? आप लोग सीआईडी पे भरोसा रखते हैं? मुझे लगता है सीआईडी को हम पे भरोसा नहीं, इन लोगों को लगता है अनुराग के खून में हमारा हाथ है। अनुराग के खूनी को हम लोग पकड़ के ही रहेंगे, फिलहाल इस हवेली में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबको एक साथ रहना पड़ेगा, समझे आप लोग? अभिजीत, क्या बात है तारी? थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या हुआ है और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और तुम्हें तो हॉल में होना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अकेले में कह सकती हूँ प्लीज? पूर्वी, तुम इन लोगों को हॉल में लेके जाओ, मैं अभी आया। हाँ बता। मैं बताती हूँ, ये देखो मेरे लिए किसी ने ये चिट्ठी छोड़ी थी, देखो। तारिका, डॉक्टर साड़ुंके को मार दो वरना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा, और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। ये सब वो मुजरिम कर रहा है, हमारे साथ घिनौना खेल खेल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका अंजाम उसके लिए कितना भयानक साबित होगा। अभिजीत, राखी के लिए भी एक ऐसी चिट्ठी छोड़ी गई थी जिसमें लिखा था कि अगर वो पूर्वी को नहीं मारेगी तो उसके पति को मार दिया जाएगा। तो पता है उसके पति के साथ क्या हुआ? वो गायब हो गया। समीर गायब है? हाँ, शायद उसको भी मार दिया। ये चिट्ठी कहाँ मिली? बेडरूम में से। चलो दिखाओ। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है, सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सबसे निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से रोकूं। छोड़ दो नहीं तो तुम भी गिरोगी। छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे।
करके छोड़ो नहीं तो दोनों गिर जाएंगे। ऐसे कैसे तो एक तो हमारी जान का खतरा है और आप हमसे इंक्वायरी करके क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक खून हुआ है, सीआईडी को अपना काम करने दीजिए और आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाइए, चलिए पीछे जाइए। सर, 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 अभिजीत, अभिजीत नीचे गिर गए। क्या? क्या? अभिजीत गिर गया? कैसे? वो अपने कॉरिडोर पे चल रहे थे, अचानक लौट गए थे और वो गिर गए सर। मगर कब, कैसे? सर, मुझे भी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं सालों के सर को नहीं मारूंगी तो वो लोग अभिजीत को मार देंगे। डेबिट तारीख का पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें? ये तो मैं डर गई थी। अच्छा, अभिजीत कहाँ गिरा है बताओ जल्दी। कॉरिडोर में ऊपर। चलो चलो। आइए। रेडियो निखिल अब तक लौटे क्यों नहीं? समय देख कर आती हूँ। ठीक है, होशियार रहना। आगे, इधर इधर यहाँ पे आगे जल्दी। देखो दया, ये यही जगह पे वो गिरा था अभिजीत। यहाँ पे वो खड्डा कहाँ गया? वो इतना बड़ा खड्डा इधर ही तो था। तारिका, आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पे गड्ढा था? हाँ, मुझे पक्का पता है कि वो खड्डा इधर ही था। सही में? अगर वो गड्ढा यहाँ पर था तो फिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? और ये फ्लोर एकदम सॉलिड है, कंक्रीट है। मैं सच कह रही हूँ, यही था वो खड्डा। मैं खुद अभिजीत को इधर मिली थी, वो कॉरिडोर पे वो गिर गया। इयररिंग? ये तो मेरी इयररिंग है। ओह, इसका मतलब खड्डा या इस दीवार के उस तरफ है जहां से अभिजीत को गायब किया गया है, और शायद दीवार भी नकली है। नहीं, मैं देखो आसपास, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे ये दीवार आगे पीछे किया जा सकता है। नीचे जाके देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं तारिका, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। नीचे काफी अंधेरा है। अभिजीत! अभिजीत, निखिल, उठो, चलो। सर, रेडी सर। रेडी सर, सर उठिए।
अभिजीत 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 उठो उठो अभिजीत समीर 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 उठ जा समीर उठो उठो समीर क्या हुआ सर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं सर क्या क्या हुआ होश में आओ सर सर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समीर मिल गए मैं कितनी परेशान थी थैंक गॉड समीर राखी जी चिंता मत कीजिए देखिए घाव ज्यादा गहरे नहीं है जल्दी ठीक हो जाएंगे डोंट वरी सर सर ये देखिए यहाँ पे काफी खून बह रहा है हाँ हाँ देखते कोई चिंता की बात नहीं है इंटरनल इंजरी बिल्कुल नहीं है समीर तुम वहां कैसे फंस गए थे कुछ याद है तुम्हें किसी को देखा तुमने जी नहीं एसीपी साहब मुझे कुछ भी याद नहीं मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया जब होश आया तो मैं मैं आप लोगों के सामने हूं ये चाकू छोड़ो मुझे मरने दो दया छोड़ो मुझे क्या कहा तुम्हें सीआईडी वाले तो खुद एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ये हमें कैसे बचाएंगे ये क्या कर रही हो तुम हां वो क्या कहा तुम्हें पागल हो गई हो मैं क्या करूं ना मैं अभिजीत को मरते देख सकती हूं ना सालों के सर को मार सकती हूं मैं करूं क्या चुप रहो बारिका क्या हो गया है तुम्हें सर ये तो पूर्वी की आवाज है हाँ पूर्वी सर सब 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 मैं पूर्वी सर सर क्या हो गया आप लोग को सर नहीं सर 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 होश में आइए सर प्लीज सर क्या कर रहे हो
रेडी। चाकू निकालो फ्रेडी। फ्रेडी होकर क्या? निकल। क्या हो गया तुम लोगों को? निकल! पागल हो गए तुम लोग? तुमने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। अरे मार, चल राजा। क्या हो गया इन दोनों को? सर पता नहीं, दोनों का सर घूम गया सर। ये पूर्वी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। लो, अब इसी की कमी थी, अब तो सीआईडी ऑफिसर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब तो कहिए जरा पूर्वी, कहाँ मिले दोनों? सर ये दोनों बाहर गार्डन में बेहोश थे सर, और जब मैंने होश में लेकर आई तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, और इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो सर ये लोग मेरे पीछे दौड़े सर, मुझे मारने के लिए। दोनों को एक एक थप्पड़ जमाया सर, तब जाके थोड़े शांत हुए ये। अच्छा किया, थप्पड़ लगा के अच्छा नहीं किया। इस थप्पड़ की तारीख और वक्त मैं लिख के रखूंगा। अबे चुप, मत मारूंगा मैं। चलो के देख जरा, देख पीछे लेके चल रहे। बस इन पर ड्रग का असर है बहुत बुरा, इनकी पुतलियां चढ़ गई। He is dead.